So guys, you are here because you want to make your career in mass media or mass communication, but you are confused कि शुरू कैसे करना है, कौन सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है. There are a lot of things that is in your head because mass communication बहुत ज़्यादा confusing है. तो पहला तो question ये आ जाता है कि mom dad को convince करना कि ये serious career है और आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो. So guys, if you want to make your career in mass media, make sure that you watch the video till the end because I'll tell you the courses according to your interest. There are a lot of courses that are available. Also, कौन सी सिटी में करना चाहिए, कौन सा बेस्ट कॉलेज है आपके लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So do subscribe to get all the informative updates regarding your studies, internship, profession, career, everything. What is exactly mass communication or mass media? क्या इसमें कोई difference है? Guys, इसमें कोई difference नहीं है. Mass media and mass communication one of the same degree है. Hardly कुछ 20% के subjects यहाँ वहाँ फ़र्क है, बाकी everything is same. Because as you will go to different universities, इनका नाम अलग है. Multimedia and mass communication है, mass communication है, journalism and mass communication है, digital media and mass communication है, public relation के नाम से degree दी जा रही है. Then there is BSc in mass communication. So as soon as you hear the word mass communication or mass media is one and the same thing. Only few subjects are here and there, syllabus alag hai, baki sari cheeze same hai. Ab major difference kahan aata hai mass media mein, jaise ki pehle film bhi involved tha, journalism, advertising, public relation, anchoring, everything used to come in one bracket. But abhi do prominent degree courses jo UG courses hum bolte hain wo alag kar di gaye, jo ki film studies hai and at the same time मास मीडिया है. मास मीडिया के अंडर अभी भी सारी चीजें वैसी की वैसी आती हैं, बीट योर पीआर, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, वो सारी वहां जाती है. बट अगर आप फिल्म में इंटरेस्टेड हो, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, फोटोग्राफी, टेक्निकल चीजें में, आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू डू मास कम्युनिकेशन और मास कॉम बिकॉज दैट इज मोर ऑफ अ थ्योरी पार्ट ऑफ मीडिया. बट वेन यू टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग, दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल पार्ट, लाइक पर्सन हु वॉन्ट्स टू डू फोटोग्राफी, टू डायरेक्शन, टू सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सारी चीजें आपको फिल्म मेकिंग में आएगी. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आप फिल्म में जाना चाहते हो, तो आप बोलोगे मैम ये तो सिर्फ मेरा ड्रीम है बट मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो क्या फिल्म सेफ रहेगा? मैं ये बोलूंगी येस गाइज, बिकॉज इतना ज्यादा स्कोप है टेक्निकल वर्ल्ड में, एडिटिंग में, ग्राफिक्स में, डायरेक्शन में, सारी चीजें जो सेट पे काम होता है ना, आप सभी प्रोफाइल में काम कर सकते हो. सो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट और आपका जो इनकम है वो दोनों सेम जगह से आएगी. आप कम्युनिकेशन में जाओगे, अगर एक फिल्म का बंदा जो टेक्निकली कुछ करना चाहता है, डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी एंड ऑल दैट, अगर वो कम्युनिकेशन डिग्री लेता है, तो प्रॉब्लम ये होती है वहां पे आप थ्योरी ज्यादा पढ़ते हो, आपको राइटिंग ज्यादा आती है, आपके जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन के ज्यादा होते हैं, तो वहां पे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हिल जाता है. दैट्स द ओनली रीजन. सो नाउ व्हेन यू से क्या मास कम्युनिकेशन, जैसे कि बैचलर्स ऑफ मास मीडिया जो मुंबई में बहुत ही पॉपुलर डिग्री थी, नाउ इट इज द नेम हैज चेंज टू BAMMC, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन. क्या चेंज हुआ है? डिग्री जो है वो सेम ही है, लाइक BMM BMMC, बट बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो गए, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन उसमें ऐड हो गए. बट अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो डिग्री जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट BMM, एंड अगर मुंबई में हम बात करें, देयर इज फिल्म, टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन, ये डिग्री भी मुंबई यूनिवर्सिटी देती है. इसी तरीके से अगर हम DU की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहां पे आपको मिलता है BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टू BJMC, एंड दे हैव फिल्म कोर्सेज एज वेल जो कि प्राइवेट कॉलेजेस देते हैं. अब ये तो दो डिग्री हो गए जो डिस्टिंक्ट है फॉर मास मीडिया UG. PG में आपको जाके बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन मिलता है, जैसे कि आप बात कर लो पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है, जहां पे वो डिप्लोमा होता है 9 महीने से लेके 1 साल तक का, या मास्टर्स होता है फॉर 2 ईयर्स. सो अगर आप ये 3 साल की डिग्री की बात करें, हम PG की किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, बट अगर मैं UG की बात करूँ, इफ यू आर समवन हु वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो, आप अगर एक्टिंग करना चाहते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, आप PR इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग में, टैलेंट मैनेजमेंट में, ये सारी प्रोफाइल जो है मैं जिनकी भी बात कर रही हूँ, रेडियो जॉकी, एवरीथिंग, यस मास मीडिया स्टडी आपको हेल्प करेगी, बट उसके साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तभी आपको इन प्रोफाइल्स में जॉब मिलती है. बिकॉज जो कोर्स है वो आपको सिर्फ थ्योरी सिखाता है, 90% ऑफ द कॉलेजेस आपको सिर्फ थ्योरी सिखाएंगे, जो कि शायद वो फील्ड में जाके आपके काम भी ना आए. आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो आ जाएगा, बट इम्प्लीमेंटेशन
क्वेश्चन आपके इंटर्नशिप के बारे आएगी. तो अगर आप एक मास मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हो, ये सारे प्रोफाइल में, चाहे इवेंट हो, चाहे पीआर हो, चाहे फिर वो एडवर्टाइजिंग हो, इंटर्नशिप के बिना और आपकी पोर्टफोलियो उतनी अगर स्ट्रांग नहीं होगी, आपको ये इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना उतना ही डिफिकल्ट होगा. सो डिग्री के साथ आपका स्किल सेट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सारी चीजें जब साथ में आती है तो आप एक अच्छा करियर बना पाते हो मास मीडिया में. सो जो भी पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये एक सीरियस करियर है और मास मीडिया जो करियर एज अ करियर बहुत ही ग्रो होने वाला है. जैसे कि आप जानते हो, इंटरनेट के आने से सोशल मीडिया काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है. OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप, जैसे कि हम बात करें Amazon प्राइम की, Netflix की, जो कि डायरेक्ट टू द कंज्यूमर है, मतलब ग्लोबली हम कंटेंट वहां पे देख सकते हैं. तो कंटेंट की जो दुनिया है वो बढ़ते जा रही है. मतलब कि मास मीडिया का जो स्टूडेंट है, चाहे वो डायरेक्शन में जाना चाहता हो, मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहता हो, सोशल मीडिया में, टैलेंट हंट में, सारी चीज़ों के लिए स्कोप बढ़ रहा है. बट एट द सेम टाइम स्किल्ड लोगों की कमी आ रही है, बिकॉज सिर्फ डिग्री से यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका वो स्किल सेट पॉलिश हो. सो दैट्स द होल थिंग गाइस, कि मास मीडिया में आप थियोरी पढ़ोगे, वो जो डिग्री है आपको सपोर्ट करेगी. एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई से कि आपको ये कहाँ से करना चाहिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड से मुंबई से ज़्यादातर मास मीडिया की डिग्री बच्चे करते हैं, बिकॉज ये जो डिग्री है इसके लिए एक्सपोजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो कि मैं बात कर रही हूँ, जब से आपके स्किल और इंटर्नशिप की, उसकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा आपको मेट्रो सिटीज़ में है, जैसे कि मुंबई और दिल्ली. अगर आप दिल्ली में से पढ़ाई करोगे तो आपको जो एक्सपोजर ऑफ द न्यूज़ वर्ल्ड काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, बिकॉज सारे बड़े न्यूज़ ब्यूरोज़ वहीं पर हैं. एंड एट द सेम टाइम वेन यू टॉक अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, वो पूरी की पूरी मुंबई में है. एंड दैट्स द रीज़न कि जो बच्चे अपने टैलेंट के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, फिर वो सिनेमेटोग्राफी हो, वो मुंबई आना चाहते हैं, बिकॉज मुंबई में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. सो दैट्स द रीज़न कि मुंबई और दिल्ली को हब माना गया है फॉर मीडिया स्टडीज़. एट द सेम टाइम यू कैन डू इट फ्रॉम पुणे ऑल्सो, बट वही है कि पुणे में उतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं है. एंड अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं, अगर महाराष्ट्र से हैं तो ठीक है, पुणे में मराठी स्पीकिंग डोमिनेंसी ज्यादा है. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना कि लोकल लैंग्वेज काइंड ऑफ अ थिंग, बट मुंबई में उस चीज की प्रॉब्लम नहीं आती. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मुंबई एंड दिल्ली इज अ हब. पुणे यू कैन कीप एन ऑप्शन इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र. सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. ऑल्सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइस, देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन अ रीजनल मीडिया. अब रीजनल मीडिया में आपको रफली समझा दूं क्या होता है. रीजनल मीडिया मतलब कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट ओनली बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. अगर आप यूपी चले जाएं, उनकी एक अलग फिल्म, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अलग है. अगर आप साउथ में चले जाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री है. एंड अभी तो क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास है RRR, बाहुबली, ये सारी मूवीज जो है ये साउथ से हमारे पास आई है. सो दे आर मेकिंग इट टू द मेन स्ट्रीम. सो अगर आप रीजन स्पेसिफिक की बात करें और अगर आप फिल्म में ही जाना चाहते हैं, आपको टेक्निकली सीखना है, दैट्स इट. एंड यू कैन वर्क इन द रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्म इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है, इट्स ग्रोइंग, द कॉन्टेंट इज इम्प्रोवाइजिंग, देर आर लॉट ऑफ मराठी मूवी सीरीज विच इज कमिंग अप. सो येस, देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. बट अगर हम पढ़ाई की बात करें, येस यू कैन डू अ फिल्म डिग्री एंड यू कैन डू अ मास कम्युनिकेशन डिग्री. ये दोनों में से आप कोई भी डिग्री ऑप्ट कर सकते हो. एट द सेम टाइम विद योर 3 years का डिग्री, डू अ स्पेशलाइजेशन, वर्क ऑन योर स्किल्स. एंड येस, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन event, in production, in acting and lot of other things in media, so that you can learn the skill. And also I'll help you guys to make your portfolio, enhance your skill set and get internship with these recognized companies in the media industry. आई होप गाइज द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. आपको कोई भी और क्वेश्चन है मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड और मास कम्युनिकेशन स्टडी से रिलेटेड, आई डू वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन टू. सो यू कैन बुक अ कॉल विद मी, देयर इज अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर जस्ट एक मैसेज कर दीजिए, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. ऑल्सो यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स जो भी आपको वीडियो चाहिए होगा मास मीडिया पर, आई डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट टॉपिक. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on MediaMentor. Don't forget to like, share and subscribe.